कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में जहां साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, वहीं चास नगर निगम आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहां कचड़े से गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। बोकारो के चास नगर निगम में कचड़ा उठाव को लेकर जबरदस्त खेल चल रहा है। यहां कस्तूरबा विश्वविद्यालय के पास स्थित फोर लेन सड़क के किनारे बिना सेरीगेट किए कचड़ा फेंक कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन हैरत है कि चास नगर निगम प्रशासक को ये कहीं से गलत नहीं लगता। ऐसा है, रेड मेन सड़क के बीच में नहीं भेजा जा रहा है। जहां भी हमारा चूंकि ऑफिस जो निर्माण हो रहा है या जो मेरी बिल्डिंग बन रही है उसके नीचे रास्ता बनाना था और जो कुछ लैंडफिल के लिए जगह खाली था वहां लैंडफिल करने का निर्देश दिया गया है कि कचरे का निस्तारण करते हुए वहां पे लैंडफिल करने के लिए उनको गुरुवार तक का समय दिया गया। जानकारी के मुताबिक कंपनी को कचड़े का उठाव कर इसे वजन करके कचड़े का सेरीगेट भी करना है, लेकिन बिना निगम के अधिकारी के सामने कचड़े को वजन किए और कचड़े को सेरीगेट किए हुए कचड़े को फोर लेन के किनारे डंप किया जा रहा है। ऐसे में चास नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने सीधे तौर पर इसे कंपनी और अपर नगर आयुक्त की मिलीभगत करार दिया है। एकदम फैलेगा, फैल भी रहा है, महामारी का रूप किसी भी दिन चास में महामारी फैल सकती है। अब कचड़ा ही डंपिंग जो हो रहा है कस्तूरबा विद्यालय के बगल में, एनएच के बगल में, वो वार्ड नंबर 31 के मिड पॉइंट में कचड़ा गिराया जा रहा, अगल बगल सैकड़ों की सघन आबादी है, तो बीमारी पर इस पर प्रशासक, अब नगर आयुक्त 3R को काम देने के लिए बहुत व्याकुल थे, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए थी 3R का काला पत्थर में पहले बाउंड्री वाल होना चाहिए था जहाँ पर उनको करना है कचड़ा सेरीगेट करना है। ये तो सही नहीं है, लेकिन हम लोग को जो बोला जाता है वही करना पड़ता है। इसमें जो कचरा मालिक है ये तो हमें सुजीत बाबू को करते हैं। क्या बोला गया है? कि वह कचरा फेंकिया जिसी भी अपना बराबर कर रहा है। नहीं नहीं सही बात है, तो हम लोग तो लेबर है ना, हम लोग को जहाँ लोग वहाँ तो जाना ही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिना किसी ठोस प्रबंधन के कंपनी को काम कैसे दिया गया? जिस प्रकार से कचड़े का डंप फोर लेन के किनारे किया जा रहा है, ऐसे में कंपनी और निगम के अधिकारियों के बीच मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।